Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing good at your home. So, students, in the previous lecture, we just read our chapter number of reader book, that is the kindness hazards on reward. सो टुडे वी विल कंटिन्यू अवर रीडिंग पोर्शन. हमने कहाँ तक किया था बेटा? हमने लास्ट वीडियो में किया था जब जो हर्मिट होता है वो क्या करता है कि जब वो थर्ड पर्सन होता है वो उसके लिए मांग लेता है, उससे क्या बोलता है कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जिससे मैं शादी कर सकूँ, एक हैप्पी और कंफर्टेबल लाइफ को जी सकूँ. ओके, एंड हर्मिट के लिए वो चीज़ बहुत डिफिकल्ट थी उसे देना, बट उसने ढूंढी एंड बिगेन टू सर्च अ मडेन. उसने उस लेडी को ढूंढना स्टार्ट किया, वर्थी ऑफ थर्ड ब्रदर. ओके, उसके बाद उन्होंने क्या किया था, हर्मिट बहुत दूर चला गया था और वो लोग अपनी हैप्पी लाइफ को साथ में जीने लग गए थे. आफ्टर लैप्स ऑफ सम ईयर, मतलब कुछ साल के बाद, द सेम हर्मिट रिटर्न टू द विलेज अगेन. वो जो सेम हर्मिट था वो वापिस आया उसके पास विलेज में कि देखने की वो लोग क्या कर रहे हैं. बट नाउ ही हैड ग्रोन वेरी ओल्ड एंड हैड कम्प्लीटली चेंज इन रिजेम्बलेंस. रिजेम्बलेंस मीन्स दैट कि जो उसका लुक होता है, जो देखना होता है, वो बहुत, मतलब उसका जो लुक होता है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है. जैसे हम बोलते हैं जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, उसका फेस, दाढ़ी और उसकी बॉडी बिल्कुल चेंज हो चुकी होती है. ओके, और उसने किया, उसके बाद उसने सोचा था वो जाएगा फर्स्ट ब्रदर के पास और उससे बैग करेगा. किसके लिए बैग, मतलब करना किसी से भीख मांगना थोड़े से दूध की. द मैन अटर्ड र्यूडली, जो मैन है, जो फर्स्ट ब्रदर के पास वो गया था, उसने उसे बोला गुस्से से बोला गो अवे, कि तुम यहां से चले जाओ. इफ आई स्टार्ट गिविंग मिल्क टू एवरी बेगर, अगर मैंने उसने स्टार्ट मतलब शुरू करना है, गिविंग मतलब देना, मिल्क टू एवरी बेगर, बेगर हेयर मीन्स दैट जो भीख मांगता है, अगर मैं सबको ही ऐसे दूध देने लग जाऊंगा जो भी नॉकिंग एट माई डोर, कि मतलब जो मेरे दरवाजे पे आके खटखटाता है, मैं अगर उन सबको ही दूध देने लग जाऊं, ऑन व्हाट शैल आई फीड माई चिल्ड्रन देन, कि फीड मतलब मैं अपने चिल्ड्रंस को क्या खिलाऊंगा. ओके, द हर्मिट सेड एंग्रीली, यू अनग्रेटफुल फेलो, कि तुम इतने आसान फरामोश हो. अनग्रेटफुल मीन्स एहसान फरामोश, सैड मीन्स कहना, एंग्रीली मीन्स गुस्से में. यू अनग्रेटफुल फेलो, कि तुम हो एक वो पर्सन जो किसी का भी आसान नहीं रखते हो. यू आर वर्थी ऑफ द फेवर, you ungrateful fellow, you are unworthy of the favor given to you. unworthy means कि जब हम किसी के लिए, जो हम किसी के ऊपर उपकार करते हैं और वो जब उस उपकार को नहीं मानता है, तो उसने बोला you are unworthy of the favor given to you. favor मतलब किसी की सहायता करना, given to you. you must return to poverty, तुम लोगों को वापिस, तुझे तो बिल्कुल वापिस से गरीब हो जाना चाहिए. return means वापिस आना, poverty means गरीब होना. the hermit held out his stick and the first brother was surprised to find the animals vanish. जो हर्मिट ने क्या किया, held out means निकालना, stick means डंडा. जो भी हर्मिट और सन्यासी होता है, जो उनके पास एक स्टिक होती है, उन्होंने उसको निकाला और फर्स्ट ब्रदर के पास क्या किया, उसके ऊपर उसको शराब देते हुए कहा कि ये जितने भी एनिमल्स है तेरे, ये वैनिश हो जाने चाहिए. वैनिश मीन्स बेटा जब सडनली कोई चीज डिसअपियर हो जाती है. ओके, ठीक है, खत्म हो जाती है, गायब हो जाती है. द हर्मिट देन वेंट टू द सेकेंड ब्रदर एंड बैग फॉर सम कॉर्न. और फिर उसके बाद जो हर्मिट है वो वेंट मीन्स जाना, सेकेंड ब्रदर जो दूसरा भाई था, और उसने दूसरे भाई के पास जाके भीख मांगी कुछ कॉर्न के लिए. क्योंकि एज यू रिमेम्बर, हमने चैप्टर में किया था कि सेकेंड वाले ब्रदर ने क्या मांगा था, उसे लैंड मांगी थी कल्टिवेट करने के लिए. ओके, उसने वहां पे जाके कॉर्न मीन्स मक्की, उसने उससे जाके कुछ मक्की की भीख मांगी. द सेकेंड ब्रदर टू सैड आई हैव नो कॉर्न टू गिव यू. सेकेंड ब्रदर ने भी उसे सैड मीन्स कहा, उसे बताया कि आई हैव नो कॉर्न टू यू टू गिव यू. गिव मीन्स देना, कि मेरे पास कोई भी मक्की नहीं है तुम्हें देने के लिए. इफ आई डू सो फॉर एवरी टॉम डिक एंड हैरी, इफ आई डू सो मीन्स कि अगर मैं ये चीज करने लगू, एवरी मीन्स किसी के लिए भी, कोई टॉम है, कोई डिक है, कोई हैरी है, आई शैल हैव नथिंग लेफ्ट फॉर मी, कि मेरे खुद के पास कुछ भी नहीं बचेगा.
द सेकेंड ब्रदर टू वॉज कर्स्ड एंड हिज रिच एंड प्रोस्पेरियस फॉर्म्स वैनिश्ड अवे. जो सेकेंड ब्रदर था वो भी बहुत ज्यादा क्रूर हो गया उसके साथ, और जो वो रिच था और जैसे वो खुशहाल था, उसके जो फार्म्स थे जो उसने कल्टिवेट करके अपनी जमीन उगाई थी, वो सबके साथ चले गए. विद द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, एक झटके के अंदर. ट्विंकलिंग ऑफ एन आई मीन्स कि पलक झपकते ही वो चीजें गायब हो गई. ओके, सो दिस इज योर चैप्टर फॉर टुडे एंड यू हैव टू रिवाइज और रीड दिस चैप्टर इन अ अलाउड वॉइस सो दैट यू आर एबल टू प्रोनाउंस द वर्ड्स इन अ करेक्ट वे. और जो भी आज आपने न्यू वर्ड सीखे हैं लाइक अनग्रेटफुल, फेलो, बैक्ड, सो यू हैव टू रिवाइज दीज वर्ड्स इन योर डेली लाइफ. सो दिस इज अ वीडियो फ्रॉम द कॉस्मोट इंटरनेशनल स्कूल. हैव अ गुड डिस्टेंस.